आज मैं आपसे शेयर करूंगी बोरोसिल चॉपर का 1 साल का रिव्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये बोरोसिल का चॉपर बाय किया था ऑनलाइन। इसको आज लगभग लेके मुझे 1 साल हो चुके हैं। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर डिटेल रिव्यू या फिर मैंने इसको कहाँ से बाय किया है या फिर मेरे इसका प्राइस क्या है, उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से भी जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं या फिर आप टॉप राइट कॉर्नर पर आपको उसकी वीडियो की लिंक शो हो रही होगी, आप वहाँ से भी जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। मैं ये बोरोसिल के चॉपर को लगभग 1 साल से डेली यूज कर रही हूँ। चॉपर की मोटर की क्वालिटी और पावर की क्वालिटी अभी तक अच्छी है और इसका जो चॉपर का कंटेनर है वो भी अच्छा है और इसके जो लॉक है वो भी बहुत अच्छे हैं, टूटे नहीं है अभी तक। और इसके ये जो ब्लेड्स हैं वो भी शार्प है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए इसे एक बार यूज़ करके दिखाते हैं कि इसकी शार्पनेस कैसी है अभी तक। के लॉक देखिए अच्छे हैं अभी तक। और ये मैंने प्याज कट करके रख लिए हैं और टमाटर है और मिर्ची कट करके रखे हैं। प्याज को मैं सेपरेट कट करूंगी और टमाटर और मिर्ची को एक साथ कट करने वाली हूँ। चलिए प्याज को कंटेनर में डाल देते हैं। अब इसको लॉक कर देते हैं और इसे प्लग कर देते हैं। इस बोरोसिल को आप इलेक्ट्रिसिटी से ही चला सकते हैं, ऐसे बिना इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चला सकते और इसमें ये बटन प्रेस करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, इसमें आप चॉप कर सकते हैं। ये जो प्याज है आप इसमें पीस नहीं सकते, ये सिर्फ चॉप करता है और ये बारीक प्याज कर देता है। देखिए आप, ये अभी भी फर्स्ट डे जैसा ही चॉप कर रहा है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी इतना ही चॉप हुआ था, और अगर आप और भी चॉप करना चाहते हैं तो ये और भी बारीक हो सकता है। चलिए अभी इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि मैं प्याज और मिर्ची को भी पीस सकूं। और मैं इस कंटेनर को एक बार पानी से वॉश कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इजी वॉश भी हो जाता है। आप ऐसे इसमें पानी डाल के इसे थोड़ा शेक करके ये ऐसे वॉश हो जाता है। नॉर्मली सेकेंड यूज़ के लिए मैं ये वॉश कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे ज़्यादा वॉश नहीं करना क्योंकि मुझे टमाटर और मिर्ची भी पीसनी है। तो मैं इसमें टमाटर और मिर्ची डाल लूँगी। अब मैं आपको ये चॉप करके दिखाती हूँ कि ये आपको कैसे चॉप करके देता है। ये टमाटर मैंने कंटेनर में डाल दिया है, अब ये लॉक कर देते हैं और इसे प्लग कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसमें चटनी नहीं बना सकते क्योंकि इसमें ये टमाटर पीस नहीं जाएगा, ये बारीक बारीक चॉप हो जाएगा और इसमें मिर्ची भी बारीक ही चॉप होगी। इसमें जैसे कि आप चाहते हैं कि इसमें ग्राइंडर जैसा पीसेगा तो नहीं फ्रेंड्स, ये आपको चॉप करके ही देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने बहुत ही अच्छा चॉप किया है मिर्ची और टमाटर को। और फ्रेंड्स, मुझे ये बोरोसिल का चॉपर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें अगर आपको पराठे बनाने हैं तो आप इसमें सारे वेजेस डाल सकते हैं। अगर मिक्स वेज पराठा बनाना है तो ये अच्छा चॉप कर देता है। ये पिसता नहीं है, उसको चॉप कर देता है, इसलिए ये पराठों के लिए या फिर आपको चॉप करना है उसके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है। तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।